नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें।
उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम झूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान
एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित, अनिल राठी अभिनीत, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है।
क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र,
विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे।
इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3 हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4 समाज समाज कर समाज को समझो, इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5 होती जो मैं बिजली, इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित, अनिल राठी अभिनीत, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1 गगन झूमे कदम चूमे, इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2 लो आ गया हीरो जी भरे देखे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3 हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4 समाज समाज कर समाज को समझो, इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5 होती जो मैं बिजली, इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको
मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम झूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी।
निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता।
जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक
प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना, लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना, लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम
ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी, के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी, के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच,
होती जो मैं बिजली इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम झूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके
और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4, समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत,
भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है।
क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा, श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना।
लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे
गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4, समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ,
पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1 गगन झूमे कदम झूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2 लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3 हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4 समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5 होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के
चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए
उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बप्पैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड, राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल,
लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत गाना नंबर एक गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मारकर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत गाना नंबर एक गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं।
गाना नंबर 4 समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5 होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1 गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2 लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3 हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4 समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5 होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित, अनिल राठी अभिनीत, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़ेपन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन झूमे कदम झूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित, अनिल राठी अभिनीत, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो,
किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है, जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है, जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है, जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं, फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राजकिरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर 1, गगन चूमे झूमे गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर 2, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर 3, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 4, समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 5, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मर्द की जवान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मर्द की जवान 1987 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो और किमी काटकर ने अभिनय किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म युग पुरुषुडु की रीमेक थी। निर्देशक के बपैया, कहानी द्वारा बाला मुरुगन द्वारा निर्मित अनिल राठी, अभिनीत धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रिलीज की तारीख 14 अगस्त 1987, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड राम चौहान एक किसान के रूप में जीवन यापन करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वह धनी लक्ष्मी सहाय के प्यार में पड़ जाता है, जो उसके पिता रघुपति के चिड़चिड़पन के कारण होता है, जो उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। जब लक्ष्मी पुत्र विजय को जन्म देती है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। जब रघुपति ने घोषणा की कि उनका एकमात्र लाभार्थी श्रीनाथ होने जा रहा है, तो लक्ष्मण इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हमला किया जाता है और अंत में राम की मौत हो जाती है। लक्ष्मी विजय से अलग हो जाती है,
जो अंत में एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो उसका नाम राजेश रखता है। क्रोधित लक्ष्मण अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाता है, श्रीनाथ के कुछ गुंडों को मार डालता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। वर्षों बाद जेल में रहते हुए उसका दोस्त गोविंद उसे सूचित करता है कि रघुपति को श्रीनाथ और उसके बेटे मोंटी ने धोखा दिया है और उन्होंने एक प्रतिरूपणकर्ता को काम पर रखा है जिसने रघुपति को मार कर जायदाद पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मण जेल से भाग जाते हैं और प्रतिरूपणकर्ता श्रीनाथ और मोंटी को किसी भी कीमत पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि पुलिस और प्रतिरूपणकर्ता उसे जाने देते हैं फेंकना। लक्ष्मण चौहान के रूप में धर्मेंद्र, विजय चौहान, राजेश के रूप में जैकी श्रॉफ, लता के रूप में पूनम ढिल्लो, गुलाबी के रूप में किमी काटकर, तनुजा, आनंद के रूप में राज किरण, राम चौहान के रूप में नवीन निश्चल, लक्ष्मी सहाय के रूप में सुषमा सेठ, जमींदार रघुपति सहाय के रूप में श्री राम लागू, गोविंद के रूप में विकास आनंद, रहीम ऑब्लिक इंस्पेक्टर तोताराम के रूप में असरानी, प्रेम चोपड़ा श्रीनाथ के रूप में, मोंटी के रूप में शक्ति कपूर, गुंडे के रूप में दीप ढिल्लो। गीत संगीत। गाना नंबर एक, गगन चूमे झूमे, गगन झूमे कदम चूमे। इस गाने के गायकार शब्बीर कुमार हैं। गाना नंबर दो, लो आ गया हीरो जी भरे देखे। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और एस जानकी हैं। गाना नंबर तीन, हमें जो भी तुमको दिए लौट दो हमको वो प्रिय। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार, समाज समाज कर समाज को समझो। इस गाने के गायकार मनहर उदास, अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच, होती जो मैं बिजली। इस गाने के गायकार अलका याग्निक हैं।